हेलो नमस्ते सस्त्रीकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और बार पोकेमोन डायमंड रैंडमाइजर के एपिसोड में गाइस, जहाँ पर पिछली बार गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोग आए थे गाइस ओरीबर्ग सिटी में और हम लोग गाइस रॉक से मिले थे। और गाइस पिछला एपिसोड नहीं देखा तो भाई जाके जरूर देखना, पिछले एपिसोड में क्या ही हो रहा था भाई, गजब की चीज़ें हो रही थी। मैं भूल गया था गाइस कि मैंने ट्रेनर के पोकेमोन भी रैंडमाइज किए हैं और वो म्यूटू आ रहे थे भाई ट्रेनर्स के पास, सोच रहे हो तुम? ठीक है, और हम लोगों ने इस पिछले एपिसोड में राइचू को पकड़ा था गाइस, देख सकते हो मैंने उसका नाम रखा था मुन्ना, ठीक है, बिकॉज पी का मुन्ना का विकसित रूप है। और हाँ गाइस, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग गई थोड़ी सी गाइस और मैंने इलेक्टवायर को पकड़ा जिसका मैंने नाम रखा गाइस इलेक्टो। तो मेरा भाई तुम लोगों से बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तुम लोग इसमें को बताना कि मुझे इसको भाई रखना चाहिए या फिर अपने पी का मुन्ना को रखना चाहिए, पी का मुन्ना के विकसित रूप को रखना चाहिए यानी कि राइचू को रखना चाहिए। अब तुम लोग मेरे को बताना, ठीक है, बिकॉज यार दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप के बहुत खतरनाक हैं, ठीक है, तो बता देना गाइस प्लीज़ यार कि मुन्ना को रखना है या फिर इलेक्ट्रो को रखना है, ठीक है। तो गाइस मैंने थोड़ी बहुत ऑफलाइन ट्रेनिंग कही थी, गाइस देख सकते हो मैंने अपने पोकेमोन की लेवल थोड़ी बढ़ा ली है, खास करके बदारी की, ठीक है। तो चलो गाइस आज हम लोग को चलना है भैया जिमेडो को टपकाना है यानी कि रॉक। चलो भैया रॉक की अच्छी लगाते हैं आज बिल्कुल फुल पावर खतरनाक तरीके से। ओके हम आ ही गए रॉर्क, दो मिनट की देरी और है बस तुम्हें टपकाने की। चल भैया आ ही गए रॉर्क, आ ही गए। ओ भाई हाँ यहाँ ट्रेनर्स बैठे हैं, चलो लड़ ले जाएगा इस इंटरव्यू से लड़ ले आया था, चलो लड़ लेते हैं आ जाओ बिकॉज कुछ होने नहीं वाला है। नीचे वाले को तो मैंने स्किप कर दिया गाइस, ऐसे ओनली दोस हु वांट टू विन कैन चैलेंज अ पोकेमोन जिम। ओके एल्काज़ाम भाई देख रहे हो रैंडमाइज इसलिए एल्काज़ाम आ रहा है भाई, अदरवाइज आ ही नहीं सकता भाई। ओके बदारी देख लेगा इस मेरे ख्याल से बिकॉज 14 लेवल गया इस बदारी कुछ ज़्यादा ही लेवल का हो चुका है और मुझे लगता है इवॉल्व होने वाला है गाइस, 15 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है शायद से इस गेम में, आई डोंट नो बट हो जाता है शायद से। ओके काइनेसिस का इस्तेमाल कर रहा है भाई, वो चम्मच टेढ़ी कर रहा है वो। अरे भाई यार एक्यूरेसी फेल कर दे बस तू, गंदे आदमी एक्यूरेसी फेल कर दे बस। चल रहे अपनी मुँह से पकड़ के भाग रहे ऐसे, वरना मैं खींच खींच के तोड़ दूंगा तेरी मुझे। चल रहे भाई ऐसे मुच्छड़ काका। ओके गाइस हमारा बदारी इवॉल्व हो रहा है गाइस फाइनली यार, बदारी इज इवॉल्विंग नाइस, हमारा फर्स्ट पोकेमोन इवोल्यूशन गाइस, वही फर्स्ट जिम के पहले ही इवॉल्व हो रहा है यार, मतलब मैंने जल्दी इवॉल्व कर दिया यार इसको तो मतलब। ओके मॉनफर्नो गाइस मॉनफर्नो भाई साहब एक नंबर लगता है मॉनफर्नो भी यार, नाइस यार मॉनफर्नो यार माक मुक्का नहीं सीखा है। चलो भाई छोड़ो यार उसको, चलो भाई ऐसे मेरे बुक में ऑलरेडी हील है तो चलो भाई चलते हैं और रॉर्क को टपकाते हैं कहीं मजे से। अब तो मुझे लग रहा है मेरा मॉनफर्नो टपका देगा इस सारे पोकेमोन को। वेलकम दिस द ओरीबर्ग पोकेमोन जिम, आई एम रॉर्क द जिम लीडर। अरे मैं जानता हूँ अंधा नहीं हूँ, आई एम बट वन ट्रेनर हु डिसाइडेड टू वॉक प्राउडली विद रॉक टाइप पोकेमोन। As a gym leader, I need to see your potential as a trainer, and I need to see the toughness and of the Pokemon that battle with you. अरे देख ले भैया देख ले आजा। ओके आहिजा रॉर्क आज तेरे को बिल्कुल डरा के घर पहुँचाऊंगा चिंता ना कर। ओके ग्लूम ओ भाई साहब इसने गलती कर दी, ओ भाई 12 लेवल का है भाई, मेरा मॉनफर्नो बन चुका है वही 15 लेवल का यार, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है ये मैच तो भाई, देखना भी क्या होता है गाइस। ओ भाई इतनी ज़ोर से फट्टे से पड़ गया देखना, ओ भाई साहब मैंने सोचा नहीं था एम्बर से इतना डैमेज पड़ेगा यार, एम्बर से खतरनाक डैमेज पड़ा है भाई, कुछ नहीं होने वाला भैया एसिड से, अपना बदारी मारेगा फटफटा। ओ अरे कर ले भैया तू पोषण इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं होने वाला आज तो जाएगा और जाएगा बुरी तरीके से जाएगा, ले उजल भी गया भाई ये भी हो ही गया, अच्छी बात अच्छी बात है, आया मजा। अरे गया रे तू बस बहुत हो गई तेरी, अरे ग्लूम को वापस बुला ले बेचारा डर के मारे बेचारे ने। ओके मडकिप ओ शिट मडकिप थोड़ा दिक्कत कर सकता है बट मडकिप भी क्या दिक्कत नहीं करने वाला गाइस, हमारे पास है हमारा मेरे पास दो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है गाइस तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो चलो हम भी निकाल लेते हैं भाई अपने मुन्ना को निकाले इलेक्ट्रो को निकाले, चलो इलेक्ट्रो को निकालते हैं बिकॉज उसकी अभी हमें पावर बढ़ानी उसके हमें लेवल बढ़ानी है, ठीक है। और गाइस तुम लोगों को प्लीज़ बताना यार कि मेरे को इलेक्टवायर को रखना है या पी का मुन्ना को रखना है या फिर राइचू को रखना है, जोर से मजा आ गया।
अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, चलो ठीक है, मतलब मेरे को रायचू को निकालना पड़ेगा। ओके रायचू बाहर आ चुका है गाइस हमारा मुन्ना, बहुत सही गया भाई गया। अब ये बच ही नहीं सकता भाई, बच ही नहीं सकता। ओके बच गया, चलो अच्छी बात है बच गया तो। बट इसके बाद बस ना तो मेरे को लगता नहीं बच पाएगा। वाटर गन से क्या कर लेगा रे तू, नहीं क्या ही कर लेगा। अरे थंडर का बोल्ट यार, चलो बहुत सही गया गया। ओके गाइस वापस से ग्लूम निकाल रहा है तो वापस निकालते हैं अपन मॉनफर्नो को भाई। चलो स्क्रैच ही कर लेते हैं वो भी सही रहे। और यार पोशन दे दिया उसने यार, हट। चलो बट इस मैं एम्बर अटैक ही रखने वाला हूँ भाई, कितने ही पोशन दिला दे तू, अब तू नहीं बच सकता भाई यहाँ से। मैच खिंचवा रहा है भाई ये, बस कुछ नहीं कर रहा, मैच खिंचवा रहा है और कुछ नहीं। ओके गाइस लास्ट पोकेमॉन ये निकाल रहा है क्रिकेट ऑट। यार ये कैसा जिम है भाई, मतलब रॉक टाइप एक पोकेमॉन नहीं है भाई बंदे के पास भाई, एक टाइप एक भी रॉक टाइप पोकेमॉन नहीं है। ओके थैंक यू कैन टेक डाउन द नेक्स्ट पोकेमॉन लाइक यू डिड अर्लियर। अरे ऑफकोर्स ही बात है, मैं करूँगा इन्हें यार, एक बस एक एम्बर अटैक क्रिकेट और जाएगा आराम से। ओ भाई साहब 1 हिट कर दिया भाई बदारी ने तो, नहीं शाह बदारी भाई 16 लेवल का, जितनी जल्दी हो गया तो। और कुछ दिक्कत भी नहीं है भाई हम लोग को इसको हराने में, ऐसे ही हार गया भाई बेचारा, इतनी बेइज्जती भाई, इतनी ह्यूमिलेटिंग। वॉट दैट कॉन्ट बी माई बफ्ड पोकेमॉन। अरे कोई दिक्कत नहीं, दिस इज एम्बैरसिंग, आई वेंट एंड लॉस्ट टू अ ट्रेनर हु डजंट हैव अ सिंगल जिम बैच, बट दैट स्टफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड आई वॉज वीक, दैट्स ऑल देयर इज। अकॉर्डिंग टू द पोकेमॉन लीग रूल्स आई हैव टू गिव यू आवर जिम बैच सिंस यू हैव बीटन मी द लीडर, हियर इज योर ऑफिशियल पोकेमॉन लीग गोल बैच। ओके थैंक यू रॉर्क, नाइस यार मजा आ गया बिल्कुल, फर्स्ट जिम बैच मिल चुका है गाइस, नाइस यार मजा आ गया बिल्कुल, मौजी मौजा। हैविंग द कोल बैच मीन्स योर पोकेमॉन कैन नाउ यूज द हिडन मूव रॉक स्मैश, नाइस, यू शुड ऑल्सो टेक दिस। ओके टीएम 76 दिया इसने मेरे को, नाइस। ओके स्ट्रेंथ रॉक, गंदा अटैक है भाई, गंदा बहुत गंदा, किसी काम का नहीं है उसे मेरे भाई, मैं इसको सिखाता भी नहीं हूँ कभी। इन दिस रीजन ऑफ सिनो देयर आर 7 अदर जिम लीडर्स, यस मैं जानता हूँ भाई, आई शुड वॉर्न यू दे आर अ लॉट टफर देन आई एम। ओके भाई मतलब हमारा काम हो चुका रॉक से, अब तो चलो जल्दी पोकेमॉन हिल कर आते हैं, निकलते हैं इस जगह से गाइस यार। ओ भाई साहब गाइस मैं जरा सा गाइस ओरिबक माइंस में एक बार चेकआउट करने के लिए आया, कोई अच्छा पोकेमॉन, और गाइस मुझे एंटे मिल गया भाई साहब, एंटे पकड़ लिया तो भाई साहब कि भाई साहब क्या ही बोल दूं मैं, एंटे पकड़ना पड़ेगा गाइस, एंटे खतरनाक हो सकता है भाई एंट। अरे यार भाई यार एंटे ऐसे मत भाई बदारी, ऐसे मत मिस कर भाई। ओके काटू अटैक आता है इसको, ठीक है अच्छी बात है भाई, एंटे को पकड़ लेगा भाई सब कुछ मजे में हो जाएगा गाइस, मौजी हो जाएंगे यार। बस हम इसको टीम में नहीं रखने वाला, फिर भी कैच करना ज़रूरी है यार, अच्छा रहेगा भाई एंटे काफ़ी सही पोकेमॉन रहेगा। ओके एम्बर और ट्राई कर लेते हैं भाई, मर मत जाना प्लीज़ एंटे भाई, प्लीज़ मरना नहीं। हाँ एक और बस एम्बर, एक और एम्बर फिर शायद से पकड़ में आ जाए एंटे। ओके गाइस अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है एंटे को पकड़ने का, चलो भाई पोकेबॉल दिखाओ अपना कमाल, पकड़ लो भाई शेर को प्लीज़। वैसे मुझे लगता नहीं भाई नॉर्मल पोकेमॉन पकड़ में आएगा भाई ये। ओ भाई आ गया बाहर, मुझे कम से कम अल्ट्रा बॉल तो लानी चाहिए भाई, और यार मुझे लगता है ये रेयर स्पॉन होगा भाई यार, सही बता रहा हूँ खतरनाक हो सकता है, रेयर स्पॉन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई साहब नहीं आने वाला गाइस इसी पकड़ में, चलो गाइस नहीं पकड़ सकते गाइस हम लोग एंटे को यार। तो चलो गाइस अब भाई मेरे को लगता है कि अब मुझे नॉर्थ में जाके देखना चाहिए भाई, टाउन के ऊपर साइड क्या हो रहा है जाके देखना चाहिए मेरे को एक बार। ओके रूट 207 है ये, ओके यहाँ तो भाई कुछ ख़राब ही लग रहा है मेरे को भाई, देख रहे हो रोड तो है नहीं भाई आगे के लिए, क्या बोल रहे लड़का क्या बोल कह रहा है, दैट स्लोप टू स्लिपरी यू नीड अ बाइक टू गेट अप। ओके मेरे को बाइक लगेगी भाई, और बाइसाइकिल इटरनल छुट्टी है मेरे को मिलेगी, ठीक है मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तो मतलब मेरे को भाई गाइस मेरे को जूबी लाइफ सिटी के नॉर्थ में जाना पड़ेगा शायद से, बिकॉज वहीं एक रास्ता है जहाँ से मैं जा सकता हूँ बस, तो सर चल के देखते जूबी लाइफ सिटी वापस से। ओके बैरी आ रहा है भाई यहाँ तो, थर्ड बैरी वो सी यू गॉट अ जिम बैच, इटरनल सिटी इज द नेक्स्ट प्लेस विद अ जिम दैट गिव्स अवे बैजेस राइट, सो या आई वेंट टू रूट 207 बट यू कांट गो विद देयर विदाउट अ बाइसिकल, I made my team battle and toughen them up. It was not a waste. I'm going back to Jubilife's next stop, the Eternal Gym Badge. 10 seconds before I dash. Okay, bwah.
हुज गॉट टाइम टू काउंट। ओके भाग गया डरपोक आदमी, मतलब हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। हम लोग सही सोच रहे थे, चलते हैं जल्दी से। ओके गाइस, हम लोग जुबिला सिटी के नॉर्थ में आ गए। यहाँ तो प्रोफेसर रोवन खड़े हैं गाइस। ओह ऋषि, इम्पेकेबल टाइमिंग एज ऑलवेज। दीज मिसक्रिएंट्स आर बैबलिंग अटर नॉनसेंस दैट आई जस्ट कांट स्टमक। ओके, जिसमें पचा नहीं सकता। शो देम सम मैनर्स इफ यू विल। ओके, कह रहे हैं इन्हें कोई तमीज सिखाओ थोड़ी सी। ओ प्रोफेसर पोकेमोन, यू मस्ट बी सो डिफिकल्ट। वी आर अप्रोचिंग यू स्ट्रिक्टली एज बिजनेसमैन। ओके, तो टीम गैलेक्टिक की मेंबर्स हैं गाइस, मैंने देखा ही ध्यान से यार। ऑल यू मस्ट डू इज प्रोवाइड अस विथ योर ऑल रिसर्च फाइंडिंग्स। इन रिटर्न वील रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग मैसिव डैमेज टू योर असिस्टेंट। ओह ऋषि, लेट्स बैटल टुगेदर एंड टीच दीज हॉरिबल मैन अ लेसन। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टीम गैलेक्टिक तो भाई वैसे ही कबाड़ी हैं। ओ भाई, ये खतरनाक ट्रांजिशन था यार। ओहो गैलेक्टिक, देखते हैं भाई कबाड़ी तो क्या ही कर लेते हैं मेरा। ओ भाई चार हजार आ रहा है भाई, वॉट। वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली गाइस, बिकॉज मेरे पास इलेक्टिव आयर है, यानी कि मेरा इलेक्टो। ओके, टेटवेक एंड इलेक्टो। भाई इस बेचारी का अभी तक टेटवेक है। मेरा देखो भाई चमचार बन, मेरा बेचारा मॉनफर्नो बन चुका है। ओके, 4000 पे करूँगा भाई मैं तो। टपकाओ भाई इसको, टपकाओ अभी, टपकाओ इसको। चल रहे भाई यहाँ से। अरे बच गया यार ये तो, इसका टेटवेक गया भाई, गया इसका टेटवेक गया। ओके बस बच जाएगा, मेरे ख्याल से बच जाएगा। हाँ मेरे को लगा 4000 को फ्रेम थ्रो रूम थ्रो आता है भाई, खतरनाक बेचारा टेटवेक उसी को मार पड़ रही है। चलो भाई अब तो जाना चाहिए भाई, अब तो जाएगा भाई, अब नहीं गया तो इसकी ऐसी तैसी भाई, गया अब गया ना। ओके भाई 400 एक्सपीरियंस गाइस, 11 का हो गया मेरा इलेक्ट्रो तो। नाइस इलेक्ट्रो, नाइस। ओके टर्टविक तो कुछ कर ही नहीं पा रहा भाई, इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, उस पर भी थोड़ा बहुत मारा मारी। गया भाई टर्टविक तो ऐसे लुढ़क गया। मैं कोई कटा ही कर लेता हूँ भाई, ये बेल स्प्राउट पे ज़्यादा सही रहेगा। कोई कटैक मार दे भैया। ओके भाई, ओ भाई साहब इतना खतरनाक कोई कटैक भाई, क्रिटिकल तो नहीं था भाई, बिना क्रिटिकल के इतना खतरनाक लग रहा है भाई, यानी कि इसके फिजिकल अटैक काफ़ी अच्छे हैं भाई। चलो भाई बेल स्प्राउट का हो चुका है काम खत्म। चलो भाई बहुत सही, डॉन के पास एक ही पोकेमोन था। चलो गाइस गैलेक्टिक्स की कबाड़ियों को मैंने टपका दिया है कतई मजे से। बेचारे फट्टू, यू लीव अस नो ऑप्शन, यू विल रिट्रीट फॉर नाउ बिकॉज टीम गैलेक्टिक्स इज बेनिवोलेंट टू ऑल, वी शैल लीव। भाग जाओ कबाड़ियों। दैट लॉट दे कॉल देमसेल्फ टीम गैलेक्टिक When Pokemon evolve, they seem to release some type of energy. Oh, हाँ हाँ ये तुम्हें बात तो पता है। I believe that it's a mystic power. Okay, but Team Galactic seems to be trying to use that power for something. Anyway, Rishi, well done. You battle quite capably. The sight of you trainers and Pokemon battling together, I made the right decision in entrusting you with a Pokédex. Okay, thank you, Professor. Rishi, did you know? क्या भाई? द प्रोफेसर स्टडी इज द एवोल्यूशन ऑफ पोकेमोन। अरे मैं जानता हूँ, मैं कोई बात मत बताओ प्लीज़। ओके 90% ऑफ ऑल पोकेमोन संभाव टाइड टू एवोल्यूशन। ओके 90% पोकेमोन इवॉल्व होते हैं, वो 10% क्यों नहीं होते ये बताना मेरे को। चलो भाई ये तो दौड़ ला के भाग रहे हैं यहाँ से। अरे भाई ये मोटुआ क्यों आ रहा है पीछे पीछे। अरे मोटुए भाग जा। ओह दैट वॉज वेरी गुड, नाइसली डन, ट्रूली एक्सीलेंट। आई बेग योर पार्डन, आई एम फ्रॉम जुबी लाइफ टीवी। हाँ आईड लाइक टू हैव समथिंग फॉर लेटिंग मी सी दैट स्मैशिंग बैटल। ओके फैशन की इसने मेरे को दिया है भाई। यू विल फाइंड अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ चिक एक्सेसरीज एंड टेस्टफुल बैकड्रॉप्स। ड्रेस अप योर पोकेमोन एंड वॉच देयर अपील ग्रो। ओ भाई मैं अपने पोकेमोन को ड्रेस अप कर सकता हूँ। राइट नाउ योर टीवी स्टेशन इज ऑफरिंग इट्स फैसिलिटी सो विजिटर्स कैन ड्रेस अप देयर पोकेमोन। देयर आर ऑल्सो प्राइज गिव अवेज टू, प्लीज डू विजिट टीवी। ओ भाई साहब काफ़ी मस्त है भाई ये। मुझे लगता है गाइस मेरे को थोड़ा सा एपिसोड आगे बढ़ाना चाहिए, चलो थोड़ा सा एपिसोड ही बनाऊंगा मैं आगे, ज़्यादा नहीं। इस लड़की को मैं जल्दी से टपका देता हूँ। चलो भाई कुछ नहीं, जियोडू लेके आई थी गाइस लड़की, और कुछ नहीं। यहाँ से मैं इसको स्किप करूँगा भाई, इन फालतू ट्रेनर्स को मैं स्किप करूँगा। ओके गाइस वॉर टोटल यहाँ पे आ रहा है, जो कि मुझे नहीं पकड़ना है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फॉर एलिगेटर है।
ओके भाई, ये बच्चा क्यों खड़ा है इस तरह मुंह करके? अरे इधर देख, इधर देख, दे आर बोल्डर्स ब्लॉकिंग द वे इनसाइड द की कैवर्न। आई थिंक अ पोकेमोन वुड बी एबल टू ब्रेक दोस वर्ल्ड बोल्डर्स। ओके, मेरे को रॉक्स में सिखाना पड़ेगा शायद इस गेम में, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है सिखाना पड़ेगा। ओके, रैवेज्ड पाथ। ओके, पोके बॉल तो पड़ी है भाई साइड साइड में, रुक जाओ भाई रुक जाओ। ओके, मुझे एंटीडोट मिल चुका है, मुझे लगता है मेरे को सिखा देना चाहिए गाइस वो टीएम यार। ओके, मैं गोलम को सिखा रहा हूँ गाइस, बिकॉज गोलम को मैं टीम में रखने भी नहीं वाला, इसलिए अभी गोलम को सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। चल गोलम भैया, तू रॉक पॉइस भूल जा, मेरे को ज़रूरत ही नहीं अभी उसकी। ओहो भाई, खतरनाक खतरनाक। अरे बाप रे भाई साहब, देखा तुमने कितना खतरनाक एनिमेशन था यार वो। चलो भाई बाहर आ जाओ जल्दी से। अरे भाई भाई, यहाँ तो भाई ट्रेन लड़ेगा तो नहीं, वैसे मेरे को बात ही नहीं करनी इससे। छोड़ो भाई इसको छोड़ो, ऐसे गंदे गंदे ट्रेन को छोड़ो भाई, ये लड़की देखना मत। हाँ हाँ, बस बस ये बात, लड़की बहुत अच्छी है। ओके, अवेकनिंग मेरे को मिली, नाइस। हाँ लड़की देखना मत। अरे भाई साहब, देख ली गाइस, देख लिया इसने मेरे को आखिरकार। ओके चलो गाइस, आखिरकार टपका दिया मैंने उस लड़की को भाई। चलो भाई, यहाँ पे अंकल जी से बच बच के निकल लूँ मैं। ओके अंकल जी, मेरे को बक्स दो, बिल्कुल छोड़ दो मेरे को। अरे भाई यार, इन बहनों ने देख लिया मेरे को, चलो इनको भी स्किप करते हैं जल्दी से भाई। ओके चलो गाइस, बड़ी मुश्किल से मैंने लड़की को भी टपका ही दिया है। ओके यहाँ पे पोकी पोकी पड़ी है गाइस, उसको जल्दी से ले लेते हैं बस। ओके गाइस, मेरे को TM09 मेरे को बुलेट सीट मिला है, नाइस यार, बुलेट सीट काफ़ी सही होता है, चलो अच्छी बात है, मिल गया तो अच्छी बात है। जल्दी से चलते हैं भाई आगे वाले टाउन में। कौन सा टाउन है भाई ये? ओके गाइस, फ्लोरोमा टाउन, ठीक है। सो या गाइस, मुझे लगता है गाइस आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। सो अगर तुम लोगों को गाइस आज का एपिसोड अच्छा लगता हो भाई, तो इस एपिसोड को गाइस लाइक मार देना, चैनल पे नए हो और वीडियो देख के मजा आया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइस, तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज क्या ही आता है तुम्हारा, क्या ही आता है, ठीक है। बड़े गाइस लाइक पक्का से मार देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पोकेमोन डायमंड रैंडमाइजर के अगले एपिसोड में गाइस, तब तक लिए गाइस अपना ध्यान रखना और मजी करना गाइस, मजी करना है, मौजी मौजा करो गाइस, मौजी मौजा। सो बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमोन डायमंड रैंडमाइजर। बाय बाय।